ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। देखिए आज हम आपसे चर्चा करेंगे वर्ष 2023 यानी साल 2023 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के आपके ऊपर शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। सबसे पहले मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यह हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा, प्रे करूँगा, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, तरक्की करें, उन्नति करें और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए। और चंद्र राशि किसको कहते हैं? जो आपकी लग्न कुंडली, जन्म कुंडली होती है, जिस राशि में आपका चंद्रमा स्थित होता है वही आपकी चंद्र राशि कहलाती है। और मेरी आपसे विनती है, आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, पहले कुछ चीज़ें आप समझ लेते हैं। यहाँ पर इस वर्ष में जो बड़े अंतराल में ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, चार ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले शनिदेव। शनिदेव 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अभी वक्री होकर मकर राशि में स्वग्रही राशि में चल रहे हैं, लेकिन कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। और शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 17 जनवरी को, तो जो धनु राशि वाले जातक हैं वो ढैया के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। और कर्क राशि तुला राशि वाले जातक अढ़ैया से मुक्त हो जाएंगे और मिथुन राशि वाले जातक भी अष्टम अढ़ैया से मुक्त हो जाएंगे। अब किस किस राशि के ऊपर साढ़े सती और अढ़ैया का प्रभाव शनि देव का रहेगा, पहले आप ये जान लें। यहाँ पर मीन राशि पर सिर पर चढ़ती हुई साढ़े सती स्टार्ट हो जाएगी, यानी सिर पर रहेगी 17 जनवरी से। और कुंभ राशि पर हृदय पर रहेगी यानी हार्ट पर, और मकर राशि पर पैरों की तरफ जाएगी उतरती हुई। और वृश्चिक राशि पर चौथी ढैया चलेगी जो अढ़ाई वर्ष रहती है, और कर्क राशि पर अष्टम अढ़ैया रहेगी जो अढ़ाई वर्ष रहेगी। तो ये पांच राशियों को शनि प्रभावित कर रहा है। और शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरे भाव को, सातवें भाव को और दसवें भाव को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, वहाँ पर भी इनका इफेक्ट होता है। यानी एक समय में शनि, आप ये मान के चलिएगा, 3 और 2 5 और 3 इनकी दृष्टियाँ 8 और जहाँ स्थित रहते हैं 9, 9 भावों को प्रभावित करता है। शनि का इतना बड़ा महत्व है, इसीलिए शनि को इतना बड़ा हवा बना दिया गया है। लेकिन ये शनि हवा नहीं है। कुछ ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं कि लोग शनि की अढ़ैया में, साढ़े सती में या शनि की महादशा अंतरदशा में बहुत उच्च पदों की प्राप्ति उनको हुई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शनि की साढ़े सती में ही उनको यह पद प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री का पद। अब दूसरा ग्रह आता है 16 मई को देवगुरु बृहस्पति। यह 16 मई को अभी है मीन राशि में, स्वग्रही राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 16 मई को यह राशि परिवर्तन करेंगे मेष राशि में। और गुरु जहाँ बैठते हैं पांचवें भाव को, सातवें भाव को, नौवें भाव को देखते हैं। उसके बाद फिर 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु बकरी होकर राशि परिवर्तन करेंगे। और इनका जो राशि परिवर्तन होगा, कि राहु आपके अभी मेष राशि में संचार कर रहे हैं, वक्री होकर मीन राशि में आ जाएंगे और केतु आपके वक्री होकर कन्या राशि में आ जाएंगे। यह आपके जो बड़े अंतराल में ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं उनकी स्थिति है। बाकी मंगल 45 दिन में, सूर्य 30 दिन में, शुक्र लगभग 30 दिन में, बुध भी 30 दिन में, लेकिन तिथि घटती बढ़ती वक्र होते हैं, अस्त हो जाते हैं, वक्री भी होते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी दिन का समय थोड़ा चेंज होता रहता है। तो कुछ चीज़ें अब यहाँ पर हम जो आपको फलादेश कर रहे हैं यह है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन आपकी लग्न कुंडली, जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है। वह आपका प्रारब्ध है, आपके पिछले जन्म के कर्म है, आपका इस जिंदगी का आधारभूत है,
उसकी मेन इंपॉर्टेंस है। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तभी शत प्रतिशत परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो हम ग्रह गोचर पर आपको प्रेडिक्शंस कर रहे हैं इनके भी बहुत प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। समय समय पर जो हम प्रेडिक्शन फलादेश आपको करने जा रहे हैं इसमें समय समय पर थोड़ा और जो ग्रह कम समय में राशि परिवर्तन करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया तो थोड़ा फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे थोड़ी बहुत स्थिति हो सकती है। लेकिन मेन जो आपके चार ग्रह हैं ये आपको लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 यानी साल 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, इसकी आपको जानकारी देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि ये चंद्र राशि पर आधारित है तो आपको चंद्र राशि नहीं मालूम प्रचलित नाम से देख लीजिए। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो यहां पर आपका शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक रहेगा लेकिन 17 जनवरी के बाद जब शनिदेव ट्रांजिट करेंगे तो शनि की दसवीं दृष्टि यहां आपको डिस्टर्ब करने वाली है। आपका शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, टेंपर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, उत्तेजना की स्थिति, क्रोध की स्थिति, हाई ब्लड प्रेशर, कंफ्यूजन, कार्य करने की शैली, इच्छा शक्ति आपकी यहां वीक हो सकती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कमी आ सकती है। तो यहां स्थिति डिपेंड करेगी, अब यहां शनिदेव की जो दृष्टि है वह तो आपको डिस्टर्ब कर रही है लेकिन डिपेंड करेगी यहां पर इस बात के ऊपर कि मंगल की स्थिति क्या रहती है। यह आपको कब मालूम होगा, जब आप हमारा मासिक फलादेश आप देखते हैं जो आपको हर महीने प्रत्येक राशि के बारे में बताते हैं उस मंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस मंगल की क्या स्थिति चल रही है आपकी कुंडली के अंदर, उसके अनुसार आपका शारीरिक मानसिक संतुलन कंप्लीट तय होगा जब दोनों चीज़ों का एनालिसिस होगा, आपकी जन्म कुंडली का भी और वह ग्रह गोचर जब मंगल आपकी राशि के ऊपर जब ट्रांजिट करेगा उसके अकॉर्डिंग। यह आप हमारी मासिक जो फलादेश आते हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहां पर और आपके ऊपर चौथी ढैया भी शनि की स्टार्ट हो रही है 17 जनवरी से, अढ़ाई वर्ष वाली जो पनौती है तो यहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता, थोड़े उपाय करने की जरूरत है। यह हम आपको अंत में बताएंगे, उससे आपको 80-90% तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। शारीरिक और मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा सकता है, थोड़ा हेल्थ के प्रति सजग रहें, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लें, धैर्य और संयम रखें, क्रोध और उत्तेजना से बचें। उसके बाद हम फैमिली फाइनेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ स्थिति ठीक रहेगी, अगर आप परिस्थितिवत किसी परेशानी से आप जूझते हैं कोई प्रॉब्लम आपके ऊपर क्रिएट कर सकती है, जैसा कि मैंने कहा कि आज आपके ऊपर चौथी ढैया शनि की चलेगी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब आपको करेगी। अब शनि की स्थिति के अकॉर्डिंग कुंडली में उसकी क्या स्थिति है उसके बाद तय होगा लेकिन फिर भी डिस्टर्ब तो करेगी। तो लेकिन यहाँ पर एक अच्छी स्थिति है, अगर परिस्थितिवश आप किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो यहाँ पर आपके परिवार वालों को आपको भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। यह स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में, और खासतौर से 16 मई तक तो बिल्कुल ठीक है। 16 मई के बाद इसलिए ठीक आ जाएगी, हालांकि छठे भाव में चले जाएंगे वहां के लॉर्ड, लेकिन उनकी नवीं दृष्टि फिर आ जाएगी यहीं पर आपके सेकंड हाउस पर। तो ओवरऑल पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, कोई वाद विवाद चल रहा है पैतृक संपत्ति को लेकर दूर होगा, भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं कीजिए, सफलता मिलेगी। परिवार में कोई मतभेद डिफरेंसेस चल रहे थे दूर होंगे, जमा धनकोश बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा। यहाँ स्थिति आपके अनुकूल आपके पक्ष में रहने वाली है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, समय समय पर थोड़ी नेगेटिविटी नकारात्मक सोच मत आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है लेकिन किसी भी नकारात्मक सोच को अपने अंदर मत आने दें, सकारात्मक सोच बनाए रखें, वर्तमान में जिए, अपना कर्म करते रहें, छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं लाभ मिलेगा लेकिन सावधानी बरतिए। आपके छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्य रहते हैं, आपके पड़ोसी, वेल विशर, प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे अपने संबंधों को ठीक रखिए, उनसे लाभ मिलेगा। समय समय पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है लेकिन मेजर प्रॉब्लम नहीं है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, सक्सेस गेन करेंगे। यहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है लेकिन यहाँ पर शनि आपके थोड़ा
क्या होगा कि आपके 17 जनवरी को जब ये ट्रांजिट करेंगे तो यहाँ पर शश नाम का योग बनाएंगे। यह एक बहुत अच्छा योग होता है पंच महापुरुष योग में से। तो निश्चित रूप से अगर आप प्रयासरत हैं भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर और अब तक आपको सफलता नहीं मिल रही थी, अब आप प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का योग लेने के यहाँ पर संभावनाएं पूरी बन रही है। आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग प्राप्त होगा, किसी संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, उनसे कोई फाइनेंशियल लाभ मिल सकता है, घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, संतान पक्ष के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ स्थिति ओवरऑल ठीक रहेगी, लेकिन ये चौथी जो ढैया है ये आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगी। शनि ने शश योग तो बनाया लेकिन चौथी ढैया भी आपके ऊपर चल रही है, यह तथ्य विचारणीय है और उपाय करने योग्य है, यह हम आपको अंत में बताएंगे। संतान पक्ष को लेकर स्थिति ठीक है, 16 मई तक तो ठीक है, वहाँ देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं अपनी स्वग्रह राशि में, लेकिन 16 मई के बाद थोड़ी स्थिति गड़बड़ा सकती है। 16 मई तक संतान का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा, खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी, कोई विवाह शादी के संबंध, पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय में तरक्की, उन्नति, संतान का सहयोग, लेकिन 16 मई के बाद थोड़ी संतान की विवाह शादी में बाधाएं, उनके हेल्थ इश्यूज़, उनकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, नौकरी या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स या संतान का सहयोग, मतभेद, डिफरेंसेस 16 मई के बाद क्रिएट हो सकते हैं। तब तक स्थिति आपके अनुकूल आपके पक्ष में रहेगी। आगे चलते हैं, शनि देव की यहाँ पर आपके 6th हाउस पर तीसरी दृष्टि पड़ रही है, थोड़े शत्रुओं से सावधान रहें, शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है, किसी से धोखा चीटिंग जिसके ऊपर बहुत विश्वास कर सकते हैं, या कोई अचानक से कोई शत्रु निखर कर उभर कर सामने आ सकता है, वो आपको किसी प्रॉब्लम में आपके साथ क्रिएट हो सकती है, धोखाधड़ी, कोई लड़ाई झगड़ा, आपकी बात खराब होना, किसी परेशानी में पड़ना, कर्जे की बीमारी की स्थिति से जूझना, तरक्की उन्नति में बाधाएं, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है और आपको उपाय करना है, हम आपको अंत में बताएंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ स्थिति ओवरऑल ठीक रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी, पति पत्नी का एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, एक दूसरे के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मधुरता आएगी, मजबूती आएगी, संबंध आपस में अच्छे रहेंगे, आपका तालमेल, कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहेगा, नए विवाह संबंध बनेंगे, प्रयासरत हैं, सफलता नहीं मिल रही थी, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आगे नए प्रेम संबंध बनेंगे, प्रेम संबंध विवाह शादी में बदल सकते हैं, नए विवाह शादी के संबंध सूत्र में आप बन सकते हैं, प्रयास कीजिए। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, सक्सेस गेन करेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, विदेश यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा, धार्मिक स्थान की यात्राएं संपन्न होंगी, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद मिलेगा, पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, लेकिन उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनसे व्यर्थ लाभ, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट मत होने दें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, भाग्य आपको साथ देगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, आपको भाग्य पर सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा प्रयास और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। करियर व्यवसाय की दृष्टि से देखिए, यहाँ पर शनि देव की संपूर्ण सातवें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। अब ये डिपेंड करेगा सूर्य की स्थिति पर, और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो कंप्लीट ही पूरा विश्लेषण हो जाएगा, लेकिन फिर भी सूर्य की स्थिति पर भी यह डिपेंड करेगा, क्योंकि 17 जनवरी से शनि की दृष्टि आपके करियर व्यवसाय है, यानी करियर को लेकर, आजीविका को लेकर आप कोई भी कार्य करते हैं, आजीविका चलाने के लिए बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापारी हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो शनि की जो सातवीं दृष्टि है ये यहाँ डिस्टर्ब करेगी, उसमें थोड़ी बाधाएं, थोड़ी प्रॉब्लम, जितना परिश्रम मेहनत आप करेंगे उसमें थोड़ी दिक्कतें आपको, थोड़े व्यवधान आपको आ सकते हैं, कोई नुकसान आपको हो सकता है नौकरी में, बिजनेस में, कार्य व्यवसाय में, लेकिन 16 मई को जब देवगुरु बृहस्पति राशि ट्रांजिट करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, तो उनकी पंचम दृष्टि भी इसी भाव पर आ जाएगी, तो 16 मई के बाद थोड़ा मैनेजमेंट शुरू हो जाएगा, और उसके बाद डिपेंड करता है सूर्य की स्थिति और आपकी जन्म कुंडली की स्थिति, क्योंकि प्रत्येक माह सूर्य भी राशि परिवर्तन करते हैं, यह हम मासिक जो राशिफल होते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि आपका करियर व्यवसाय कैसा रहने वाला है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ओवरऑल यहाँ मिश्रित फल मिलेंगे, थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा, लेकिन फिर भी जितनी मेहनत परिश्रम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, तरक्की उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। सोर्स ऑफ इनकम आपका ठीक रहेगा, लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, खासतौर से साल का जो अंत का समय 30 अक्टूबर के बाद, इसमें अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, मोटे धन की प्राप्ति, बड़ा लाभ, सोर्स ऑफ इनकम, वैसे
संपूर्ण वर्ष सोर्स ऑफ इनकम आपका ठीक रहेगा। बीच बीच में थोड़े व्यवधान रुकावटें देखने को मिल सकती है, लेकिन स्थिति ठीक रहेगी। आपको खास तौर से शनि की अढ़ैया के ऊपर ध्यान देना है। बड़े भाई बहन मित्र वर्ग उनका लाभ बेनिफिट सहयोग मिलेगा। किसी भी कोई संबंध खराब हो, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो उससे बचें, धैर्य और संयम रखें। यह मेरी आपको खास सलाह है। विदेशों में जो जातक हैं उनके लिए स्थिति ठीक रहेगी। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपका विदेशों में कोई कार्य है, बिजनेस है, नौकरी है, आप कुछ भी करते हैं, तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, आप लाभ गेन करेंगे। और कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से भी आपको जीत मिलने की संभावना रहेगी, स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। 16 मई से और 30 अक्टूबर तक यहाँ पर गुरु चंडाल दोष भी बन रहा है, क्योंकि अभी मेष राशि में राहु संचार कर रहे हैं और 16 मई को जब गुरु आ जाएंगे तो गुरु चंडाल दोष बनेगा। लेकिन राहु जहाँ जहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं वहीं देवगुरु बृहस्पति 16 मई के बाद मैनेज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि राहु की का एक स्वभाव है, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं 80% तक वह उसके अनुसार फल देते हैं। और चूँकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर शुभ ग्रह हैं तो 80% तक 20% तक राहु अपना प्रभाव देगा, लेकिन 80% वह बृहस्पति के अकॉर्डिंग फल देने शुरू कर देंगे। तो यानी 16 मई के बाद स्थिति थोड़ी सी, क्योंकि दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ रही है तो स्थिति थोड़ी मैनेज वहाँ पर हो जाएगी। देखिए मित्रों, यह चंद्र राशि पर आधारित है। हर वीडियो में बताता हूँ, अभी भी आपको बताया, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं, तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होते हैं। यहाँ पर उपाय के तौर पर आपके लिए क्या बनता है, एक तो शनि के अष्टम ढैया ओम गंग गणपत्य नमः 108 times और ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 times, दो मंत्रों का जाप डेली कीजिए। साथ में श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए और शनिवार को पीपल के वृक्ष पर काला तिल कच्चा दूध पानी मिलाकर जय शनिदेव कहते हैं पीपल ट्री को आप जल चढ़ाएं और थोड़ा तेल का दीपक, थोड़े से काले तिल उसके अंदर डाल दें और वहाँ पर जला दें, 3 प्रदक्षिणा करें जय शनिदेव कहते हुए। मंगल शनिवार को प्योरिटी शुद्धता से रहें, काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। तो यह कार्य अगर आप श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक संपूर्ण वर्ष करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 80-90% तक ग्रहों से सुरक्षा प्रदान होगी और आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।